तुम अपने भीतर न्याय अन्याय के तराजू में जीवन की स्थितियों को ना देखो। जब तुम्हें अपने दृष्टिकोण से लगे कि कुछ भी सही नहीं हुआ इस स्थिति में, फिर भी किसी पर भी इल्जाम न लगाओ, न अपने आप की आलोचना करो, न अपने आप को दोषी अनुभव करो, न मन में किसी प्रकार की आत्मग्लानि का अनुभव करो, न किसी अपने पर दोषारोपण करो, न किसी स्थिति या किसी निर्णय की आलोचना करो। जो भी घटित होता है या घटित हुआ है या होने वाला है, वह सब कुछ पूर्व निर्धारित है, उसे स्वीकार करो। और जो भी इसमें सकारात्मक हुआ है, उसे देखने की कोशिश करो। भीतर से निराशा, हताशा, उदासी के वातावरण को बदलना है। प्रेम जिसकी तुम्हें कामना है, वह कहीं तुम्हारे आसपास ही है। तुम्हारे अपने तुम्हें प्रेम कर रहे हैं, उसे देखो। तुम्हारे अपने तुम्हारी परवाह कर रहे हैं, उसे देखना सीखो। तुम्हारे भीतर भी प्रेम है, उस प्रेम को जानो। तुम प्रेम के पात्र हो, तुम प्रेम पाने के लिए योग्य हो, तुम स्वयं को प्रेम के योग्य देखो। प्रेम का स्वीकार करो। कालिंदी, तुम क्षमा देना सीखो। मन के भीतर से क्षमा दे दो, और एक बार क्षमा देकर उस पूरी स्थिति को, उस व्यक्ति को माफ करके उनकी भूल को भूल जाओ। हृदय को पत्थर बनाकर उनकी गलतियों को, उनके अपराधों को लिखकर स्वयं को क्यों पाषाण हृदय बनाकर हिंसा और क्रूरता से पीड़ित कर रहे हो। जो मन को अशुद्ध करता है, चित्त को डामाडोल करता है, उसे चित्त की भूमि से निकाल बाहर करो। तुम सृजनात्मक, सर्जनात्मक, सकारात्मक और प्रेम की दिशा को देखो। जो तुम्हें प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी विकास यात्रा में तुम्हारे सहयात्री है, उनके प्रेम को देखो। जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी, तुम्हारे हृदय पर घाव दिए, तुम्हें अपनी कड़वी बातों से जख्मी किया, तुम्हारे कार्यों का फल अपयश से दिया, तुम्हारे उपकारों को उपेक्षित किया, उन सभी तनावों का तुम्हारे मन पर ही विपरीत दबाव और तनाव हो रहा है, जिसका सीधा असर तुम्हारे स्वास्थ्य पर हो रहा है। अपने विवेक का उपयोग करो और उन भावनाओं को, जिनको तुमने पत्थर जैसा पाषाणवत बनाया है
उनमें अब हरियाली का अंकुर अंकुरित होने दो। तुम जीवन को देखो, तुम स्वयं के विकास को देखो। तुम जो तुम्हें प्रेम करते हैं उन्हें देखो। जीवन की समृद्ध दिशा को देखो। तुम आनंद और प्रसन्नता से इनकार मत करो। तुम खुशियों से डरो मत, बल्कि खुशियों का स्वागत करो। अपने क्रोध को पिघल जाने दो। क्रोध की अग्नि, प्रतिशोध की ज्वाला, ईर्ष्या की आग में स्वयं को मत जलाओ। तुम प्रेम के निर्मल जल में स्वयं को भीगने का अवसर दो। अब जीवन में तुम थोड़ा सा विश्राम भी करो। कुछ दायित्व को तुम निभा चुकी हो। अब सभी जिम्मेदारियों का वहन करने का आग्रह छोड़ दो। जीवन अनंत है। सभी कार्यों को समय सीमा में बांध कर स्वयं को मत बांधो। समय को अपना काम करने दो। काल चक्र तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो अतीत में बीत गया उसे तुम बदल नहीं सकते। जो बीत चुका है उसे अब पकड़ कर बैठना उचित नहीं है। वर्तमान में जो हो रहा है उसे केवल देखो और स्वीकार करो। भविष्य भी तुम्हारे अनुमानों से परे हो सकता है। तुम बस जीवन की धाराओं के साथ जुड़े रहो।